तो अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो संदीप महेश्वरी सर को स्पेशल बनाती है, तो बहुत से लोग कुछ इस तरह का आंसर देंगे, जैसे क्योंकि वे लोगों की लाइफ प्रॉब्लम को बहुत ही प्रैक्टिकल और एफिशिएंट सॉल्यूशन देते हैं इसलिए स्पेशल हैं, क्योंकि वे अपनी यूट्यूब वीडियो में एड्स नहीं लगाते हैं, उससे पैसे नहीं कमाते हैं इसलिए स्पेशल हैं, वगैरह वगैरह। तो हाँ, मैं भी इन सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो एक ही है और उसमें ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो क्या है वो, आइए जानते हैं। तो वो है इनकी पर्सनैलिटी। किसी भी सिचुएशन में हमारा एक्शन और बिहेवियर किस तरह का होता है, ये हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ना कि सूट बूट पहनकर चश्मा लगा लेने से। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कितनी सिंपल एंड क्लियर पर्सनैलिटी का इंसान है, जो किसी भी सिचुएशन प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल एंड क्लियर वे में सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो हमेशा से ही ऐसे थे या उन्होंने ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करी है। अपने सेशंस और सेमिनार में वो खुद अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। काश के व्हाटएवर, क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी वो बहुत ही लो थी। मतलब मैं खुद को इतना गया गुजरा समझता था, इतना बेवकूफ समझता था जिसकी कोई हद नहीं है, तो मैं बड़ी कोशिश करता था काला होने की, लेकिन हो नहीं पाता। जिससे हमें पता चलता है कि वो भी हमारी ही तरह लाइफ की प्रॉब्लम में फंस जाते थे, गलतियां भी करते थे, परेशान भी होते थे। तो ये तो पक्का हो गया कि उन्होंने अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करी है, बट द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे इन्होंने अपनी इस पर्सनैलिटी को बिल्ड करा और कैसे हम इस पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी हमारी मेंटालिटी पर डिपेंड करती है। जिस तरह की हमारी मेंटालिटी होगी ना, उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी होगी। अगर कोई इस मेंटालिटी का है कि शराब पीना कोई बुरी चीज़ नहीं, तो पक्का वो शराब पीता होगा, और अगर नहीं पी रहा तो आगे कभी पी लेगा जब उसे मौका मिलेगा। तो संदीप महेश्वरी सर ने अपनी मेंटालिटी ही बदल कर अपनी पर्सनैलिटी को इतनी सिंपल और क्लियर बनाया। अब उन्होंने अपनी मेंटालिटी कैसे चेंज किया ये तो वो ही जानेंगे, बट हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि मेंटालिटी कैसे चेंज करते हैं और कैसे आप चेंज कर सकते हैं। मेंटालिटी का सिंपल मतलब है कि हम किस तरह से सोचते हैं। तो हम अपने सोचने का जो तरीका है उस तरीके को चेंज करके अपना माइंडसेट या मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स इसी फाउंडेशन पर इतनी सक्सेसफुल हो पाई। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया कि हम अपनी द वे ऑफ थिंकिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स और बुक समरी को पढ़ लेने के बाद मुझे ये मिला, बाय रिफ्रेमिंग आवर माइंड। अब ये क्या बोला, रिफ्रेमिंग मतलब हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, इसको बदल कर डिफरेंट तरीके से इसे एक्सप्रेस करना। आप वीडियो पॉज करके ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। तो दो काम करके हम अपने माइंड को रिफ्रेम कर सकते हैं। पहला, आस्किंग क्वेश्चन विथ योर सेल्फ, नॉट विथ एक्सटर्नल फैक्टर। एंड सेकेंड, सी द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल। जब संदीप महेश्वरी जी से पूछा गया कि आप ऐसे क्यों हो, आपको सब कैसे पता होता है, तो उसके आंसर में संदीप सर कुछ ऐसे देते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं आपके बारे में आपके क्वेश्चन पर रिसर्च नहीं करता, वो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। You have so much in you. How do you know so much? Oh no, no. I don't know much actually. मतलब लोगों को हो सकता है लगता हो, मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ, और जब मैं अपने बारे अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं जिनसे उन्हें आंसर मिलता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर क्वेश्चन नहीं करते कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, बल्कि वो ये पूछते हैं कि उसने मुझे जो बोला है क्या वो सच भी है या ऐसे ही बोल दिया। अगर सच है तो वो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और इम्प्रूव होने की कोशिश करते हैं, और अगर झूठ है तो उस थॉट्स को कचरे में डालकर आगे बढ़ जाते हैं। तो संदीप महेश्वरी सर भी इसी दो स्टेप्स के बेस पर किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कर करके और हर पॉसिबल एस्पेक्ट से देखकर स्टेप बाय स्टेप वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। और अगर आप उनके सेशन रेगुलर देखते हो तो इस बात को आप ज़रूर ऑब्जर्व करे होंगे। तो इस वीडियो की समरी यही है कि संदीप महेश्वरी की पर्सनैलिटी ही उन्हें स्पेशल बनाती है, और हम भी अपनी पर्सनैलिटी को उनकी तरह बना सकते हैं बाय चेंजिंग अवर मेंटालिटी। और मेंटालिटी चेंज करने के लिए हमें अपने थॉट्स को रिफ्रेम करना होगा, अपने माइंड को रिफ्रेम करना होगा, जो कि दो एस्पेक्ट्स पर काम करके किया जा सकता है। पहला, आस्किंग क्वेश्चन विथ योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, एंड सेकेंड, सी द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो इसी दो एस्पेक्ट्स पर काम करके आप अपनी मेंटालिटी बदल सकते हैं, और अगर आपने अपनी मेंटालिटी बदल दी तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, और अगर पर्सनालिटी बदल गई तो लाइफ भी ऑटोमेटिकली ही बदल जाएगी।